अच्छा मोहित तू बता यार, तू बारिश में खोलेगा सनरूफ? भाई मैं पागल थोड़ी हूँ जो बारिश में सनरूफ खोलूंगा यार। गाड़ी ठुक जाएगी, फिर बाद में बताएगा कैमरा, इतना भी नहीं है लैगी। ये देखिए क्लच में आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है इसमें, ये सेकंड पड़ गया। देखिए ये अलेक्सा ओपन द सनरूफ। ओके नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। और दोस्तों आज है मेरे पास स्कॉर्पियो एन Z8 लग्जरी 4x4 डीजल मैनुअल वर्जन। तो ये वीडियो मैं काफ़ी दिनों से बनाना चाह रहा था, क्योंकि जब मैंने इसकी फ़र्स्ट वीडियो डाली थी शॉर्ट में, जिसमें कि इसकी फ़र्स्ट डिलीवरी हुई थी 26 सितंबर को, तो उसमें कुछ कमेंट्स आए थे, ये आप पढ़ सकते हैं। तो उसमें कुछ सवाल पूछे गए थे, उसके ऊपर ये वीडियो बना रहा हूँ। तो चलो चलते हैं अंदर। तो दोस्तों जो सर ने कमेंट किया था, उनका भी कमेंट मैं गलत नहीं बोलूँगा, कि उनको सनरूफ के लिए थोड़ा सा इशू था, जैसे कि सनरूफ में यहाँ पर थोड़ा सा गैप आता है, और वो कह रहे थे कि यहाँ से स्पीकर दिखता है, और सर कह रहे थे कि अगर बारिश होती है तो ये ख़राब नहीं हो जाएगा। तो सबसे बड़ी बात है दोस्तों, बारिश में पहली बात है सनरूफ खोलेगा ही कोई क्यों। अब सनरूफ खोलना है, हमने ये खुल गया सनरूफ। हाँ, इसके यहाँ पर आपको गैप तो दिखेगा ही दिखेगा, चलो मान लिया गैप तो है जी, लेकिन बारिश में क्यों बंदा क्यों खोलेगा सनरूफ। उसके अलावा मान लीजिए बारिश हो भी गई है, अब बारिश होने से पहले पता भी तो लगता है कि बूंदाबांदी हो रही है, बारिश होने वाली, बंदा बंद कर लेगा। और सडन बारिश हो भी गई तो अगर आपने बंद किया तो इतनी जल्दी तो बंद हो जाता है सनरूफ, तो इसका तो कोई इशू नहीं है। और ये जो स्पीकर है सिर्फ आपके Z8 लग्जरी वेरिएंट में ही आते हैं, उसके अलावा जो नीचे वाले वेरिएंट हैं उनमें ये स्पीकर नहीं आते हैं। अच्छा मोहित तू बता यार, तू बारिश में खोलेगा सनरूफ? भाई मैं पागल थोड़ी हूँ जो बारिश में सनरूफ खोलूंगा यार। बारिश में तो सनरूफ बंद ही रखनी चाहिए, वो तो वेदर का जो कि हमारा, अरे कहना क्या चाहते हो, व्यू देखने के लिए सनरूफ का इस्तेमाल किया गया है। तो ये एक छोटी सी मतलब लॉजिक वाली बात है कि बारिश में तो बंदा सनरूफ खोलेगा ही क्यों। और उसके अलावा एक जो कमेंट आया था मेरे को, वो आया था कैमरा से रिलेटेड, कि इसका रिवर्स कैमरा है जो वो काफ़ी लैगी है, महंगी गाड़ी ले रहे हैं और उसका कैमरा बहुत लैगी है। देखिए मैं भी मानता हूँ इसका कैमरा लैगी तो है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि भी कैमरा आपका मतलब इतना ज़्यादा लैग कर रहा है कि आपको पीछे का पता ही नहीं लगेगा। लैगी तो है, बिल्कुल आपके सामने है, लैग तो कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। कई बोल रहे हैं कि कैमरा गाड़ी ठुक जाएगी, फिर बाद में बताएगा कैमरा, इतना भी नहीं है लैगी। ये देखिए आपके सामने, मैं पीछे लेके जा रहा हूँ पेड़ तक, ये अब यहाँ पर पेड़ पे आके रोक लिए। अब मैं आपको गैप दिखाता हूँ इसमें कितना है, आपको एक बार फिर चेक करवा देता हूँ। ये रेड लाइन है जो पेड़ के पास दिखा रही है इस टाइम, अब मैं आपको चेक कराता हूँ भी कितना गैप है। ये देखो दोस्तों इतना गैप है, तो मतलब ठीक है, माना है कैमरा थोड़ा लैगी है, लेकिन इतना बड़ा इशू नहीं है। आप कैमरे के लिए शायद आने वाले टाइम में इम्प्रूव हो जाए सॉफ्टवेयर के थ्रू या कुछ भी, लेकिन इतना बड़ा इशू नहीं है इसका कैमरे का भी। और कौन सा हमने कैमरे में देख के ड्रैग रेस करनी है बैक को। काफ़ी लोगों को इशू आ रहा है इसके गेयर्स को लेकर, कि गेयर बहुत हार्ड है, क्लच बहुत हार्ड है, बहुत ही ज़्यादा लाइट है, क्लच में आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है इसमें। ये सेकंड पड़ गया, देखिए इसमें आपको थोड़ा सा हार्ड क्यों लगेगा क्लच, क्योंकि ये एक रगेड व्हीकल है और रियर व्हील ड्राइव है, इसमें शाफ्ट है, तो इसलिए लग सकता है आपको हार्ड, लेकिन फिर भी इतना हार्ड नहीं है दोस्तों। तो बस ये छोटी सी वीडियो बनाना चाहता था मैं, कि भी बता सकूँ आपको कि जो इशू बताया जा रहा है इसमें, कि ये है इसका सनरूफ का इशू है, उसमें गैप है, और कैमरे का इशू है, गियर का इशू है, इतना बड़ा इशू नहीं है। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। फर्स्ट लोट की गाड़ियों में थोड़ी बहुत दिक्कत आती ही आती है, तो वो धीरे धीरे वो जितने भी बग है वो सारे निकल जाते हैं, तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं गाड़ी को। बस ये है कि इसकी वेटिंग कम हो जाए, वेटिंग बहुत ज़्यादा है, अभी भी 2 साल की वेटिंग चल रही है, आई होप कम हो जाएगी आने वाले टाइम में। तो देखते हैं दोस्तों,
और एक इशू जो आ रहा था कि सेकंड गियर में बंद हो जाती गाड़ी, तो दोस्तों इस चीज़ को तो मैं भी मानता हूँ कि सेकंड गियर में बंद हो जाती है, ये है। अगर हम ज़्यादा हार्ड प्रेस नहीं करेंगे अपने रेस पैडल को तो ऑब्वियस ये बंद हो जाती है। तो दोस्तों बस इतनी सी वीडियो बनाना चाहता था मैं कि थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं जो मैसेजेस आए हुए थे मेरे को। बाकी गाड़ी चलाने में बहुत बढ़िया है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।